नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश करेगी अब पुलिस। सघन अभियान चलाया जाएगा जिले के अंदर। आपको बता दें कि पुलिस विभाग के द्वारा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर मिलाप एक को लेकर बैठक भी आज रखी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के द्वारा आज हनुमानगढ़ में बैठक रखकर इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बैठक के अंदर कहा है कि सभी पुलिस के अधिकारी और अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित करते हुए जो बच्चे नाबालिग हैं, जो गुमशुदा हैं, उनको उनके परिवार से मिलाने के लिए एक अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को लिया गया है। और सभी पुलिस के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर जो बच्चे गुम हुए हैं उनकी तलाश करेगी, उनको परिवारों से मिलाया जाएगा। और यह अभियान 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लगातार चलेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि एसपी हनुमानगढ़ का क्या कहना है। गुमशुदा बालकों, बालिकाओं और व्यक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा ऑपरेशन मिलाप 1 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा कि जो गुमशुदा व्यक्ति हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, उनकी हम तलाश के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल, कोई शेल्टर होम या इस तरीके की धर्मशालाओं में कोई ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में विशेष जानकारी ना हो, जो अज्ञात से हों, उनके और किसी न किसी रूप में पीड़ित की दृष्टि से हमें नज़र आए, उनकी हम सूची बनाकर खोजबीन का प्रयास करेंगे कि ये लोग व्यक्ति कौन हैं और उनको जो भी संबंधित जहां उन्हें भेजा जाना चाहिए, यदि उन्हें कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो दिलवाना आवश्यक, वो उस प्रकार की कार्रवाइयाँ करेंगे। तो विशेष रूप से अभियान जो है वो गुमशुदा व्यक्तियों और बालकों पर केंद्रित है। प्रत्येक थाने में हमने थानाधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है, जिसमें कि विशेष रूप से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और टीम को 4 से 5 व्यक्तियों की टीम है। और टीम को विशेष रूप से दायित्व दिया गया है कि इस आगामी 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में संगठित रूप से प्रयास करें और आपस में लाइजन करते हुए तलाश के प्रयास करें। निश्चित रूप से, क्योंकि जो गुमशुदा व्यक्ति, यदि वो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो बालक बालिका की श्रेणी में आते हैं और उनमें हम प्रकरण पंजीबद्ध करके उनकी तलाश का प्रयास करते हैं, तो उनको भी हम पूरा ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अलावा पूरे राज्य और देश भर की आपस की सभी एजेंसीज आपस में डेटा शेयर करते हैं इस बारे में, तो इस अभियान के दौरान हम उनको तलाश करने का, दस्तयाब करने का पूरा प्रयास करेंगे। गुम हुए नाबालिग बच्चों का चिन्हीकरण किया जाएगा, उनको तलाश किया जाएगा और पुलिस विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर ऐसे बच्चों की पहचान कर उनको ढूंढेगी और उनके परिवार से मिलाने का कार्य लगातार चलेगा। एक विशेष अभियान यह शुरू पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जाएगा। अच्छा है कि गुमशुदा बच्चों को तलाश करने में पुलिस सक्रिय हुई है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।